सेकेंड एग्जाम्पल, प्रूव दैट ई रेज टू एक्स कॉस एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, आंसर लाना है। ठीक है, तो हमें पता है कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, हमने लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर एक्स इंटू कॉस एक्स दिया है ना, तो एक्स इंटू कॉस एक्स करते, एक्स कॉस एक्स का एक्सपेंशन लिख दिया ऊपर से नीचे। अभी एक्स से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हर एक को। ठीक है, सो दो ही लिखे मैंने टर्म्स, क्यों लिखे दो? अभी आपको पता होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्स क्यूब तक की एक्सपांशन करना है। ठीक है, जितना यहाँ लिखा होता है ना उतना एक्सपांशन करना, आगे जाने का कोशिश नहीं करना क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ओके, सो मैंने वहाँ तक ही लिखा, मतलब एक्स क्यूब तक ही लिखा। अभी कंसिडर, अगर आप देखोगे एग्जाम्पल इस तरह है, तो ई रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा है, तो वैसे ही ई रेज टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन टू फैक्टोरियल हो गया। अभी ये जो रेस्ट वाली टर्म है इसे मैं वाई मानता हूँ, और आगे बता दिया कि वेयर वाई इक्वल टू का वैल्यू जो है वो बता दिया। ठीक है, अभी एज वी नो द एक्सपांशन ऑफ ई रेस्ट टू वाई, है ना, जैसे कि हमें एक्सपांशन ई रेस्ट टू एक्स पता है, तो वैसे ही अभी हमें वाई का है, तो हमने वाई का एक्सपांशन लिख दिया। क्या लिखा है? वन प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वाई क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस आगे बढ़ते जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ वाई इन द अबव इक्वेशन, y की वैल्यू अबव इक्वेशन में रख रहे हैं, सही है। तो होता क्या है, देखो होगा ऐसे कि y का वैल्यू ये है ना, तो डाल दिया मैंने, यहाँ पर भी डाला और यहाँ पर भी डाल दिया, सो आपको इस तरह टर्म्स दिख रही है और यहाँ पर भी दिख रही है। ओके ना, अभी आपको दिख रहा है कि ये वाला जो है ये a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर होता है, और ये वाला जो है a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब होता है, तो उसी से हमने एक्सपांशन करके ये पूरी टर्म लिखी है, यही से हमने देख के यहाँ पर एक्सपांशन किया हुआ है। बट और मुझे बताना है कि आप अभी बहुत सारी जगह पर ऐसा क्रॉस दिखोगे और ऐसा एरो करके किया है मैंने क्रॉसिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें निगलेक्टिंग करनी है हायर पावर ग्रेटर दैन एक्स क्यूब, जो एक्स क्यूब से बड़ी है ना उनको अभी निगलेक्ट कर देना है, निकालना है। ठीक है, तो आप देखोगे ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, एक्स टू फाइव हो रहा है, एक्स एस टू सिक्स कट हो जाएगा, एक्स एस टू नाइन कट हो जाएगा, तो अभी ये भी एक्स एस टू फोर ये भी कट हो जाएगा। तो अभी जो नॉर्मल टर्म्स है जो हमें ज़रूरी है उनको ही लिखेंगे, तो मैंने वन लिखा प्लस एक्स लिख दिया माइनस एक्स क्यू अपॉन टू फैक्टर मतलब टू कर दिया। ठीक है, एक्स क्यूर बाय टू होता है और ये टर्म बचती है एक्स क्यूब बाय सिक्स बचती है, सो वन प्लस एक्स क्यूर बाय टू लिखा और एक्स क्यूब वालों को साथ में लिखा, उनका कैलकुलेशन किया हमने, और हमें फाइनली मिलता है ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री एंड विच इज द आंसर आया है। तो इस तरह सेकेंड एग्जाम्पल हुआ है।